आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ यहाँ पे एंड बहुत अच्छा लग रहा है एंड सिनेमा का बहुत अच्छा बड़ा अवार्ड है ये. सो या बिग बॉस के बाद बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हुई है. मतलब पहले मैं आप ही तरह यहाँ पर सवाल पूछती थी, आज मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है बिग बॉस के बाद की जो मेरी जर्नी है ये एकदम अलग ही सफ़र है एंड यहाँ पर मैं आई हूँ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. ऑल्सो बहुत कुछ नया आने वाला है एंड आपको पता चल जाएगा जल्द. अभी दो तीन दिन हुए हैं मैंने स्वयंवर सच बताऊं तो फॉलो नहीं किया है, बट मैं कलर्स की ऐप पर वो देखती रहती हूँ एंड मुझे अच्छा लग रहा है. शो काफ़ी एंटरटेनिंग है. मुझे लगता है पारस और शहनाज दोनों समझदार हैं, हमें खूब एंटरटेन ही करेंगे. बिल्कुल, सिद्धार्थ के आने से चेंजेस तो होंगे लेकिन शो का फॉर्मेट कुछ अलग ही है. बट सबने सिद्धार्थ की जोड़ी को पसंद किया है तो और अच्छा ही होगा जो भी होगा. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. इतना ज़्यादा प्यार मिला है मुझे इस शो से. आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस शो का हिस्सा बनी जो कि सुपर डुपर हिट रहा है, टीआरपी में बहुत आगे रहा है एंड मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू. बिग बॉस के बारे में ऐसा कहा, बहुत सारे टाइम जो है ऐसा ट्रेंड कर रहा था कि फिक्स विनर हुए सिद्धार्थ, क्या कहना चाहेंगे? और कहा जा रहा है कि पब्लिक विनर आसिफ था लेकिन उसको रॉन्ग दिखाया गया. व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? That's a public review, then public review must have told you who should be the winner, who has to be the winner and who won. So who am I to question someone's winning? So I think that's a very stupid question to ask. Sorry. I'm very lucky. यहाँ दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलना इज वेरी वेरी बिग थिंग. इट्स लाइक यू हैविंग योर डिग्री इन योर हैंड बिकॉज द पर्सन हु स्टार्टेड द इंडस्ट्री और आपको सम्मानित किया जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता. बहुत चेंजेस आए हैं. अगर आप मुझे अपने बारे में पूछ रहे हो तो आपको नोटिस करना पड़ेगा. बट या फीलिंग गुड एंड हैविंग अ ग्रेट फीलिंग इज ऑलवेज ये मोमेंट ही बहुत बेस्ट हो जाता है. बट या आई हैड लिटिल हेजिटेशन बिकॉज 4.5 महीने इज नॉट लेस एंड द जर्नी वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर मी. सो वेन आई सी लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी आई गेट लिटिल मैं थोड़ा हेजिटेंट हो जाती हूँ. बट थैंक्स टू आई एम सराउंडेड बाई गुड पीपल नाउ. सो या very happy now. Bigg Boss ke bare mein aisa kaha, bahut sare time jo hai aisa trend kar raha tha ki fixed winner hua hai Siddharth, kya kehna chahenge? Aur kaha ja raha hai ki public winner aasif tha lekin usko wrong dikhaya gaya. What do you want to say about it?
that's a public review, then public review must have told you who should be the winner, who has to be the winner, and who won. So who am I to question someone's winning? So I think that's a very stupid question to ask. Sorry. अच्छी बात है अगर वो जीते हैं और उन्होंने कुछ कहा होगा तभी मैंने शायद फेंका होगा और वो मूवमेंट ठीक हो चुका है हमारे बीच में. सो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट दैट. अभी अगर वो यहाँ होते तो आपको पता चल जाता. I just want to wish them the best future and I hope उन्हें उनका मनचाहा साथी मिल जाए शो में से. टिप्स तो मैंने नहीं बट मैंने लड़कियों के ऑडिशन देखे हैं. अब उनकी जर्नी शुरू हुई है सो अब जो जर्नी होगी उनकी उस हिसाब से वो चूज करेंगे. अगर मुझे बुलाया गया तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट I'm like best advice if I can have, but I'm sure that Paras and Shahnaz is very clear कि उन्हें अपना साथी कैसा चाहिए. मैं I think आज मेरा चौथा दिन है और upcoming project के बारे में अगर होगा तो भी मैं आपको 10 days के बाद ज़रूर बताऊँगी. Thank you. एक्साइटेड हूँ क्योंकि बिग बॉस के बाद पहला अवार्ड है और परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी. सो आई एम रियली एक्साइटेड. मोस्ट लड़ाकू अवार्ड पता नहीं शायद स्टाइल. बहुत ज़्यादा बूस्ट मतलब ऐसा हो रहा है कि प्लीज गाइस चाहिए. आई एम डन. लाइक बहुत अच्छा ग्राफ्स आ रहा है. लोग सामने से कॉल कर रहे हैं, चीज़ें ऑफर कर रहे हैं. बिग बॉस को बहुत मिस कर रही हूँ. मेरे फेस देखो स्वेल है बिकॉज मैं सो नहीं पा रही हूँ अपने घर में. आई एम मिसिंग द हाउस सो मच. अभी नहीं करी क्योंकि मैं कल ही उससे मिली और मैंने उसको कहा छत्तीस आएंगी तेरी वाली तो माहिरा ही लाएगी. हो सकता है या प्रोजेक्ट अभी तो नहीं क्योंकि बहुत सारे हैं मतलब 13 हैं तो उसमें से चूज करके जिस दिन एक फाइनल हो जाएगा तो आई डेफिनेटली कर. व्हाट यस आई थिंक मेरे को भी लास्ट ईयर आई थिंक या लास्ट ईयर मेरे को मिला था अवार्ड एंड बहुत अच्छा लगता है जब गवर्नमेंट लेवल पे जब इतने बड़े लेवल पे आर्टिस्ट को ग्रेट किया जाता है आर्टिस्ट को अप्रिशिएट किया जाता है एंड आई थैंक एवरीबॉडी ऐसे अवार्ड्स करवाने के लिए. मेरी लाइफ में आई थिंक अवार्ड्स बहुत अच्छी चीज़ है. आर्टिस्ट को और ज़्यादा काम करने का मन करता है जब अवार्ड्स मिलते हैं बट आई थिंक ऑडियंस ही अवार्ड है मेरे लिए. तो डेली मेरे गाने लोग सुने आई थिंक वही मेरे लिए अवार्ड है. मैं रोज़ शो करूँ रोज़ और पैसे कमाऊँ मेरे लिए वो अवार्ड है. जस्ट किडिंग बट यस आज जब तक लोगों का प्यार है तो आई थिंक रोज़ ही अवार्ड है. आई थिंक मेरे को मिल रहा है अप्रिसिएशन अवार्ड आई थिंक सो एंड देन आई एम सिंगिंग ऑन द रैंप फॉर निवेदिता साबू. सो यस आई एम गोना सिंग द लेटेस्ट वन सुरमा सुरमा एंड सूट सूट एंड हाइड्रेटेड गब्रू. बिल्कुल सुनाएंगे. अखियां च पा के नी तू सुरमा सुरमा सिखिया तू दस कितों तुरना तुरना आ जेड़ा सूट तू पाया आ सब पुछदे ने कितों मिलदा आ काली तेरी गुत्त गोल मोल लग हिलदा आ. थैंक यू सो मच गॉगल्स अभी लेके आता. हेलो गॉगल्स अभी लेके आता. शेर दे सोनू
हेलो व्हाट्सअप कैसे हो गुड टू सी यू क्या हाल है ऑल नाइस थैंक यू या या इट्स वेरी नाइस थैंक यू अच्छा ये आई डोंट नो देखना साफ है ठीक है हाथ भी मल लूं ठंड तो नहीं है आने वाले प्रोजेक्ट बहुत सारे गाने हैं फिल्मों में सिंगल्स हैं और गाने गाने और काम क्या है मेरा हिंदी भी अभी करा है साहू के लिए इतनी सोनी हिंदी था और अभी आगे छलांग फिल्म में गाना आ रहा है नुसरत और